हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे टाटा टेली सर्विसेज की, क्या इससे रिलेटेड न्यूज़ हैं उसके ऊपर बात करेंगे, क्यों ये शेयर इतना मोमेंटम में है उस पर भी बात करेंगे। हमने पहले भी इस शेयर को काफ़ी कवर किया है और टारगेट्स काफ़ी बड़े दिए हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स इसके काफ़ी चेंज हो सकते हैं आने वाले टाइम में। बट एक न्यूज़ ड्रिवन ये स्टॉक जरूर है। न्यूज़ अच्छी आती है तो अच्छा चलता भी है, और कुछ ना कुछ इसके अंदर चल रहा है जिसकी वजह से ये इतना चल रहा है। तो क्या इसकी प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम देखेंगे, क्या फंडामेंटल में कमजोरी है जिसकी वजह से एक पैनी स्टॉक नज़र आता है। सेकेंडली, क्या इसके टारगेट्स बनते हैं, क्या फंडामेंटल्स बनते हैं, वो भी हम चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र से। आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज जो था 10.75 रुपये था, आज 50 पैसे बढ़ के 11.25 रुपये के आसपास 4.65% की तेजी के साथ ये बंद हुआ है। आप देख सकते हैं वन डे का अपर सर्किट में बंद होता हुआ, पिछले 5 दिन से देख सकते हैं 9.50 रुपये से अपर सर्किट, वन मंथ से देख सकते हैं अच्छे मोमेंटम में रहा है। जब से इसने 8.70 रुपये को ब्रेक किया है उसके बाद एक अच्छे मोमेंटम में ये स्टॉक रहा है। आगे क्या रेजिस्टेंस बनता है और क्या टारगेट्स बनते हैं और क्या सपोर्ट लेवल है उसे भी हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 8.70 रुपये को अगर ये ब्रेक करता है तो बिल्कुल इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, जो कि बना भी है। तो इसकी प्रॉब्लम्स क्या है वो देख लेते हैं। 2102 करोड़ रुपये की कंपनी है, हर चीज़ आपको इसके अंदर नेगेटिव में मिलेगी, बुक वैल्यू नेगेटिव में है, ROC ROE नहीं दिखाई गई है, डिविडेंड पे नहीं करते हैं, फेस वैल्यू 10 की है, डेट 14,869 करोड़ का है। तो टाटा का नाम छोड़ के सब चीज़ें इसके अंदर आपको अच्छी नहीं मिलेंगी। बुक वैल्यू माइनस में होना, डेट ह्यूज होना, डिविडेंड पे नहीं करना, तो हर चीज़ आपको माइनस में मिलेगी। बट इस टाइप के जो शेयर्स होते हैं उसके अंदर अगर कुछ फंडामेंटल चेंज होते हैं, क्योंकि टाटा के पास इतना दमखम है कि कंपनी के फंडामेंटल चेंज कर सकते हैं, तो हमें उस चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए और उस शेयर को उस न्यूज़ के बेस पे बिल्कुल लेना चाहिए। छोटी कंपनी है, छोटा ही पैसा लगाना चाहिए, और पैनी स्टॉक्स जो होते हैं उसके अंदर भी डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। कम से कम 5 स्टॉक्स के अंदर पोर्टफोलियो का सिर्फ 2% लगाना चाहिए। अगर रिजल्ट्स देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ऑलमोस्ट आपको सभी रिजल्ट्स जो हैं माइनस में ही दिखाई देंगे, एक रिजल्ट को छोड़ के बाकी सभी माइनस में ही है। सिर्फ ये वाला जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है मार्च 2019 का, बाकी सभी रिजल्ट्स आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर माइनस में दिखाई देंगे। अगर ईयर ऑन ईयर भी आप देखेंगे तो एक आधे रिजल्ट को छोड़ के आपको सभी रिजल्ट जो हैं माइनस में ही दिखाई देंगे, और ये रिजल्ट आप देख रहे हैं मार्च 2009 से मार्च 2020 तक। सिर्फ एक रिजल्ट जो है 50 करोड़ का मार्च 2011 में ये प्लस था, बाकी सभी आपको माइनस में ही दिखाई देंगे। तो आप इसका ये देख सकते हैं, सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं सभी माइनस में है, प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं माइनस में है। इसकी जो मेन प्रॉब्लम है वो डेट की है, 3112 करोड़ की जो डेट हुआ करती थी वो 14,869 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। इंटरेस्ट बर्डन काफ़ी ज़्यादा है, फ्री फ्लो कैश इनके पास नहीं है जिसे बिजनेस को एक्सटेंड कर सकें, अपने ग्रोथ को बढ़ा सकें। तो ये इसकी मेन प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स हैं। रिजर्व्स आप देखेंगे माइनस में है, एसेट्स देखेंगे जो 3762 करोड़ के होते थे वो भी घट के 1672 करोड़ के हैं। शेयर कैपिटल आप देखेंगे 1897 की जो थी 1955 के आसपास की शेयर कैपिटल भी आपको नज़र आएगी। तो हर चीज़ आपको इसके अंदर नेगेटिव में ही नज़र आएगी। प्रमोटर की होल्डिंग जरूर आपको ये प्लस है कि 74.36 के आसपास है, पब्लिक की होल्डिंग 25.64 है। अब देखिए इसके अंदर न्यूज़ क्या बनती है जो इतनी नेगेटिव कंपनी है, तो न्यूज़ भी हम देख लेते हैं इसकी वजह से शेयर प्राइस इतना मोमेंटम में है। AGR ड्यूज टेलीकम्युनिकेशन का आपको पता ही है, जो AGR का केस है उसके अंदर सभी कंपनीज, पहले भारतीय एयरटेल ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, फिर वोडाफोन ने अप्रोच किया, और अब टाटा टेली सर्विसेज ने भी अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को रिकैलकुलेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं टाटा टेली सर्विसेज हैज मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सीकिंग रिकैलकुलेशन ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू AGR फीस एज क्लेम्ड बाई द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस DOT। इट इज एक्सपेक्टेड टू हाईलाइट एलिक्ड एरर इन द DOT कैलकुलेशन। पहले जो भारती ने अप्रोच किया था, फिर वोडाफोन ने अप्रोच किया, और ये तीसरी कंपनी है जिसने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है DOT की जो कैलकुलेशंस हैं उसको रीचेक करने के लिए। तो ये जो कैलकुलेशंस हैं आप देख सकते हैं, दी कंपनी हैज रुपीज 16789 करोड़ AGD ड्यूज एज पर DOT।
DOT के अकॉर्डिंग 16,789 करोड़ का जो है पेंडिंग है, ओ विच इट हैज पेड 4,197 करोड़। इट्स सेल्फ असेसमेंट पैक्ड द ड्यू एट रुपीज 2,197 विच रिटेलको पेड फर्स्ट फॉलोड बाई 2,000 करोड़ विच इज टर्म वाज टर्न गुड फेथ। तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल अमाउंट निकल कर आता है 16,789 का है, जो पे किया गया है 4,197 करोड़ का है, 2,197 सेल्फ असेसमेंट थी, 2,000 करोड़ इन्होंने गुड फेथ के अंदर डिपॉजिट किया है। तो कहीं ना कहीं अगर इनके लिए कोई पॉजिटिव न्यूज निकल कर आती है रिकैलकुलेशन के बाद, तो ये इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज हो सकती है, जो कि डेट के ऊपर बैठी हुई कंपनी बिल्कुल इसके लिए बहुत अच्छी न्यूज हो सकती है। सभी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों की जो पोजिशन है वो खराब है इस टाइम पर, तो इस कंपनी के लिए एक अच्छी न्यूज बिल्कुल हो सकती है। और सेकंड है, आप देख सकते हैं टाटा टेली बिजनेस लॉन्चेज क्लाउड कम्युनिकेशन सॉल्यूशन फॉर इंटरप्राइजेज। इस बिजनेस का बताया जाता है कि ग्रोथ बहुत अच्छी है आने वाले टाइम में, और ये इस फील्ड में काफ़ी आगे मूव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टाटा टेली कम्युनिकेशन बिजनेस लॉन्चेज क्लाउड कम्युनिकेशन सॉल्यूशन फॉर इंटरप्राइजेज। ये स्मॉल एंड मिड जो सेक्टर है उसके अंदर बिल्कुल ग्रोथ अपना अच्छा दिखा सकते हैं आने वाले टाइम में। इसके बाद आप देख सकते हैं जिस न्यूज के बेस के ऊपर ये जो स्टॉक था 3 रुपये 4 पैसे से मूव करके 8-9 रुपये तक पहुंचा था, ये न्यूज अभी भी पेंडिंग है। और आने वाले टाइम में जो इसका टाइम दिया गया था, दिसंबर और जनवरी का टाइम दिया गया था कि एक एप्लीकेशंस जो है लॉन्च करने वाले हैं टाटा, देख सकते हैं टाटा टेली सर्विसेज रिवाइवल ऑन द कार्ड फॉर न्यू टेक पावर्ड सुपर ऐप। सुपर ऐप जो एक एप्लीकेशन है टाटा ग्रुप की, वो एक लॉन्च करने वाले थे दिसंबर और जनवरी में, तो जनवरी ऑलमोस्ट चल रही है। और अगर ये एप्लीकेशन कहीं पर भी जाकर लॉन्च होती है जनवरी एंड में या फरवरी के मिड तक, तो ये स्टॉक यहाँ से भी आपको आगे चलता हुआ बिल्कुल दिखाई देगा, क्योंकि इसका जितना भी टेक्निकल एक्सपर्टाइज है वो टाटा टेली सर्विसेज ही देगा। आप देख सकते हैं टाटा ग्रुप इज लुकिंग एट रिवाइविंग, और टाटा अगर चाहे तो इस कंपनी को बिल्कुल रिवाइव कर सकते हैं, ये आप भी जानते हैं। टाटा ग्रुप इज लुकिंग एट रिवाइविंग टाटा टेली सर्विसेज वाई टेकिंग द लेटेस्ट टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड एक्सपर्टाइज सोल्यूशन फॉर इट्स सुपर ऐप विच इज बींग बिल्ट। द टाटा सुपर ऐप इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग ऑल दिस ग्रुप्स प्रोडक्ट्स एज वेल एज सर्विसेज अंडर वन प्लेटफॉर्म एंड इनेबल सेल्स टू कंज्यूमर्स डायरेक्टली। जो इंडिया में रिटेल वॉर एक चल रहा है फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में, अमेजोन के साथ भी चल रहा है, अब टाटा भी इस ऑनलाइन रिटेल के बीच में एक थर्ड प्लेयर है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट इंडिया की बताई जाती है। तो एक एप्लीकेशन ये लॉन्च कर रहे हैं टाटा ग्रुप जो है सुपर ऐप के नाम से, जो कि बन रही है, और उसकी जितनी भी टेक्निकल एक्सपर्टाइज होगी उसका काम दिया जाएगा टाटा टेली सर्विसेज को। ये टाटा टेली सर्विसेज से रिवेन्यूज भी आएंगे और एक रिवाइविंग प्लान भी है इनके पास, टाटा के पास, जिससे इस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है और इसका डेट रिड्यूस किया जा सकता है, इसकी लिक्विडिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो बिल्कुल ये ऑन कार्ड्स है आने वाले टाइम में, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये कंपनी आगे चलती हुई ग्रोथ भी दिखा सकती है अगर ये फंडामेंटल्स इसके चेंज होते हैं तो। बट ये न्यूज ड्रिवन है, अभी जैसे जैसे न्यूज आती है तो ये स्टॉक बिल्कुल चलता है, और अपने लोअर लेवल से ये काफ़ी मूव कर चुका है। अब इसे चार्ट के ऊपर हम देखते हैं। चार्ट के ऊपर हमने पहले भी शेयर को बताया था, जब ये 8 रुपये 70 पैसे के आसपास से, ये वीकली चार्ट है जो मैंने लगाया हुआ है, ये वीकली चार्ट है। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो इस टाइप से आपको नजर आएगा। यहाँ पर हमने इसे सजेस्ट किया था पहले नीचे के लेवल्स पर, और ये यहाँ से भी मूव करता हुआ यहाँ पहुँचा था, और 8 रुपये 70 पैसे का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा था काफ़ी टाइम से। जब हमने बताया था कि जो लो है इसके हाई बनने लगे हैं, आप वो वीडियो द्वारा भी देख सकते हैं, जो लो थे वो हाई बनने लगे थे, और यहाँ पे भी देख सकते हैं एक हाई बना था, बट फेस कर रहा था ये 8 रुपये 70 पैसे का एक रेजिस्टेंस काफ़ी टाइम से। और जैसे उसने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, आप देख सकते हैं 8 रुपये 70 पैसे को जैसे उसने ब्रेक किया, तो एक अच्छा मूवमेंट इसने दिखाया 11 रुपये 25 पैसे तक। अब क्या ये 11 रुपये 25 पैसे तक इतना मूवमेंट जो इसने दिखाया, क्या ये रुक सकता है या नीचे आ सकता है, या क्या टारगेट्स बनते हैं, वो एक और वीकली चार्ट पे हम देखते हैं कि पहले 11 रुपये 25 पैसे का जो रेजिस्टेंस था, आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता था 10 रुपये 42 पैसे के आसपास, जिसको इसने बहुत अच्छे लेवल से ब्रेक किया है। आप ये वीकली चार्ट देख रहे हैं,
अब ये 11 रुपए 25 पैसे के आसपास जरूर खड़ा हुआ है, और 11 रुपए 80 पैसे के आसपास का एक रेजिस्टेंस बनता है, 11 रुपए 80 पैसे और 12, 11.80 और 12 के बीच का ये रेजिस्टेंस फेज अगर ये निकाल लेता है शेयर, तो 14 रुपए 20 पैसे के टारगेट्स भी ये अचीव कर सकता है। तो 11 रुपए 80 पैसे और 12 रुपए के आसपास का एक आपको जो लेवल है उसके ऊपर नजर रखनी होगी। अगर ये 11 रुपए 80 पैसे और 12 के लेवल को ब्रेक कर लेता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जैसे इसने अभी किया है, तो बिल्कुल ये शेयर जो है 14.5, 14.40 और 14.50 तक भी जाने का दमखम रखता है। सिर्फ 11 रुपए 80 पैसे और 12 के जोन को इसे ब्रेक करना होगा। डाउन साइड इसके अंदर अगर कोई भी न्यूज नेगेटिव आती है, रिजल्ट का सीजन चल रहा है, रिजल्ट नेगेटिव आते हैं, तो ये स्टॉक बिल्कुल अगर 10 रुपए के लेवल को ब्रेक करता है तो 8 रुपए 70 पैसे तक बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि इस टाइप के जो स्टॉक होते हैं सर्किट टू सर्किट ऊपर चलते हैं, सर्किट टू सर्किट ही फिर नीचे भी चलते हैं। फंडामेंटल्स अभी कुछ भी चेंज नहीं हुए हैं, अभी सभी ऑन पेपर हैं बट कुछ भी चीजें चेंज नहीं हुई हैं। सिर्फ एक टाटा का नाम जरूर इसके साथ में ऐड है जो रिवाइव कर सकते हैं इसे, बट अभी फंडामेंटल कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ न्यूज ड्रिवन जो स्टॉक्स हैं। उसके बाद अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो बिल्कुल ये सर्किट टू सर्किट नीचे भी चलता हुआ दिखाई देगा। नीचे का लेवल जो है 10 रुपए 20 पैसे के आसपास बिल्कुल एक स्टॉप लॉस जो शॉर्ट टर्म के हैं उनको लगा के रखना चाहिए। अगर ये उसको ब्रेक करता है तो बिल्कुल ये 8 रुपए 70 पैसे तक जाता हुआ दिखाई देगा, बट अगर ऊपर ये चलता है 11 रुपए 80 पैसे को ब्रेक करता है और 12 को ब्रेक कर देता है तो बिल्कुल ये 14.5 तक भी जा सकता है। तो आप इस टाइप के जो पेनी स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली वीक स्टॉक्स हैं, उसके अंदर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को देखते हुए और होल्डिंग कैपेसिटी को देखते हुए। न्यूज़ के ऊपर जरूर नजर रखिए, कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ इसके अंदर आती है एप्लीकेशन को लेकर या डेट रिड्यूस को लेकर या इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच किया उससे कोई अच्छी न्यूज़ निकल कर आती है तो ये स्टॉक बिल्कुल ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो आप डिस्कस करने के बाद ही इसके अंदर पैसा लगाइए। थैंक यू, धन्यवाद।